भारत के राष्ट्रपति ने दिव्यांगों के लिए कही यह बड़ी बात। हमारे देश में जनसंख्या का 2.2% हिस्सा, ये आंकड़े इंगित करते हैं हमें समाज में इनके दिव्यांगजनों का है। इन दिनों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि यह सुनिश्चित करना हमारा दायित्व है कि दिव्यांगजनों को अच्छी शिक्षा मिले, वे अपने घरों एवं समाज में सुरक्षित हो, स्वतंत्रता से अपना करियर चुन सके तथा उन्हें रोजगार के समान अवसर उपलब्ध हो। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि दुनिया में कई देशों की तरह स्वतंत्रता के 75 वर्ष के बाद भी देश में दिव्यांगजनों को समानता का अधिकार व्यवहार में नहीं मिल सका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की नई रिपोर्ट ने कहा कि स्वास्थ्य संबंधी विषमता के कारण बहुत से दिव्यांग असमय मौत के शिकार हो जाते हैं। समूची दुनिया में 1.3 अरब लोग दिव्यांग है, यानी हर 6 में एक व्यक्ति किसी तरह की विकलांगता का सामना कर रहा है। हमारे देश में जनसंख्या का 2.2% हिस्सा दिव्यांगजनों का है। प्रभावी भागीदारी के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए तथा नीतियों एवं कार्यक्रम समावेशी हो। जहाँ तक इन्हें स्वास्थ्य सेवा में बराबरी न मिलने का मसला है, उसके 3 मुख्य कारण हैं। स्वास्थ्य कर्मियों का नकारात्मक रवैया, सूचनाओं के सरल व सहज प्रसार का अभाव तथा समुचित व्यवस्था, यातायात और आर्थिक अभाव के कारण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंचने में समस्या। दुनिया के 80% दिव्यांग कम एवं मध्य आय वाले देशों में रहते हैं, जहां शिक्षा व स्वास्थ्य की सुविधाएं सीमित हैं। देश में आबादी का बड़ा हिस्सा गरीब निम्न आय वर्ग से है, स्वास्थ्य संबंधी संसाधनों का घोर अभाव है। यही स्थिति शिक्षा के साथ है। दिव्यांग बच्चों, किशोरों और युवाओं के शिक्षण प्रशिक्षण के लिए विशेष शिक्षा संस्थान तथा शिक्षकों का आवश्यकता होती है। ऐसे संस्थान गिने चुने ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संदेश में कहा है कि सरकार की प्राथमिकता पहुंच सुनिश्चित करने की है तथा इस संबंध में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि 2016 के विकलांग अधिकार कानून में यह प्रावधान कि 5 साल के भीतर सभी सार्वजनिक भवनों में दिव्यांग के आसानी से आने जाने के लिए व्यवस्था की जाएगी, लेकिन अभी तक केंद्र और राज्य सरकारों के केवल 2,839 भवनों में ही ऐसी व्यवस्था हो सकी है। कई जगहों पर लड़की और व्हीलचेयर आदि भी उपलब्ध नहीं होती। कई जगह समावेशी माहौल और समुचित इंफ्रास्ट्रक्चर न होने से दिव्यांगजन परेशान तो होते ही है, उनका आत्मविश्वास भी कमजोर हो जाता है। जैसा कि राष्ट्रपति ने रेखांकित किया, उनमें आत्मविश्वास का संचार करना उनके सशक्तिकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सरकारों के साथ समाज को भी अधिक संवेदनशील होना चाहिए तथा दिव्यांगों की प्रतिभा व सामर्थ्य को विकास यात्रा का सहभागी बनाना चाहिए। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर 46 सूत्री मांगों को लेकर BDO को सौंपा ज्ञापन। वडोदरा, देश भर में शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया गया। इस दौरान रूबी PVD और डेमोक्रेस PWD NGO की तरफ से दिव्यांगजनों के अधिकार एवं उनको मिलने वाले फायदों को सरकार तक पहुंचाने के लिए 46 सूत्री मांगों को संबंधित सिवान जिला समन्वयक गुड कुमार शाह ने प्रखंड विकास अभियोजक पदाधिकारी दिनेश कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा, जिसमें दिव्यांगजनों को प्रतिमाह 3,000 रुपये पेंशन, गरीब उन्मूलन योजना में 5% लाभ मिले, दिव्यांगजन आयोग का गठन हो, सरकारी जमीन पर बने कमरे में
5% दिव्यांगजनों को मिले, दिव्यांगजनों को 5 डिसिमल भूमि सरकार के तरफ से दिया जाए, दिव्यांगजन बैकलॉग वैकेंसी को जल्द निकाल कर भरी जाए, इसके अलावा अन्य मांगे भी शामिल है। प्रभात खबर, रविवार 4 दिसंबर 2022। धन्यवाद।